नमस्ते जी, नमस्ते। तो एक और प्रश्न आज हम लोग कंसिडर करते हैं। पहले हमने कंसिडर क्या क्या किया हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट, चाइल्ड मैरिज, इन सब के प्रेजेंट डे स्टेटसेस क्या हैं। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या कोई स्टैट्यूटरी राइट है, क्या चाइल्ड मैरिज वॉइड वॉइडेबल है, ये सब इस चैनल पे ऑलरेडी है। तो कृपया करके उन लेक्चर्स को एक्सप्लोर कर लीजिएगा अगर आपको उन टॉपिक्स में कोई परेशानी आ रही हो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है राइट टू फ्री लीगल एड। अब ये भैया जो हमारे हैं, क्या ये फंडामेंटल राइट है या ये DPSP? क्योंकि पार्ट 4 जहाँ पे DPSP दे रखे हैं, वहाँ आर्टिकल 39A जो कि 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट कराया गया था, आपको फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहा है। और काफ़ी सारी किताबों में आपको ये मिलता होगा कि राइट टू फ्री लीगल एड, वो नीचे फंडामेंटल राइट मार्क कर देता है, लेकिन आंसर की में एक्सप्लेन नहीं करता कि ये क्यों है, कैसे है और कहाँ है। लेकिन इस सबको समझने के लिए पहले हमें थोड़ी सी बारीकी से शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रीएम्बल के अंदर एक शब्द है सोशल। अगर आप जस्टिस किस काइंड का है प्रीएम्बल के अंदर, वी द पीपल ने जो हमने आपस में एक अग्रीमेंट सा कर रखा है, जस्टिस हमने सोशल बोल रखा है। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? अब मान लेते हैं, क्या एक गरीब आदमी जो है जिसके पास वकील करने का पैसा ही नहीं है, तो हम उसको क्या कहें कि जा जाओ, निकलो तुम यहाँ से, निकलो। जब तुम्हारे पास वकील करने का पैसा ही नहीं है तो तुम्हें किस बात का जस्टिस मिलेगा? क्या ये बात करनी सही होगी? इतने फंडामेंटल राइट, इतनी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन हमने छाप दी, क्या ये बात करनी सही होगी? एक गरीब देश जो कि हमारा देश है, या गरीबी से अब अमीरी की तरफ जा रहा है बहुत स्टेडली, लेकिन क्या उसमें ये बात करनी जायज़ होगी? नहीं। ये जो शब्द है इसके अंदर हमें उस भाई को, हमारे को लीगल एड देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हिंदुस्तान गरीब है, ये बात तो आप भी मानेंगे। तो ये सोशल वर्ड ही जब ये लिखा गया होगा, इसी माइंडसेट के तहत लिखा गया होगा कि हमें उन लोगों को बचाना है जो अपने आप कोर्ट तक, या कोर्ट में उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन तक न्याय कैसे दें। सो दैट इज सोशल जस्टिस, ऑलराइट। एंड सोशल जस्टिस के साथ रिलेटेड एस्पेक्ट PIL भी है, दैट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। वी विल नॉट गेट इनटू दैट एरिया टुडे। नाउ दैट अगेन इज टिकोड ऑन दिस वेरी वर्ड, समटाइम्स कॉल्ड एज सोशल एक्शन लिटिगेशंस, प्राइमरली स्टार्टिंग और प्राइमरली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉ। मेजर बेसिकली द ज्यूरिसप्रूडेंस हैज इवॉल्व्ड थ्रू केस लॉज रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉ, बट अगेन वी वोंट गो देयर। नाउ व्हाट इज 39A से? बट 39A से पहले ऑब्वियसली इट वॉज इंसर्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट सेक्टर, इट्स इन पार्ट 4। पार्ट 4 इज DPSP। DPSP का फंडा समझेंगे पहले। DPSP आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डायरेक्शन हैं, दिशा है कि हमने स्टेट को ये बोल रखा है कि पुत्र कानून बनाते समय ये बात याद रखना, नहीं रख पाए तो आर्टिकल 37 के तहत कोई तुम्हें कोर्ट में जाके खड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन लेकिन याद जरूर रखना, नहीं तो सरकारें गिरने के चांस हैं। तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने दे दिया कि बेटा ये दिशा जरूर याद रखना। जैसे वो स्ट्रैटेजी वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब पे इतने सारे, अब ऑब्वियसली सारी तो इंप्लीमेंट नहीं करते, और एग्जाम में तो किसको क्या ही याद रहता है। लेकिन लेकिन अगर एक आदमी किसी एक ही चैनल को फॉलो करके उसी की जो प्रो टिप्स जो हर चैनल पर मिलती हैं वही फॉलो कर जाए, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ DPSP। नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई घोर पाप नहीं किया आपने, लेकिन फॉलो कर लीजिए अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी बता रहा है तो, नहीं तो फिर टाइम ही क्यों वेस्ट कर। अब आ रहे हैं आर्टिकल 39A पे। द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो रिक्शे वाले साहब के पास भी वकील होना चाहिए और मर्सिडीज वाले साहब के पास भी वकील होना चाहिए, ऐसा अभी हमने स्टेट को कहा है कि याद रखना कानून बनाते हुए। अभी आप फंडा जरा याद रखिएगा इस बात को। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड By suitable legislation। ये कौन सी जी, कौन सी legislation आ गई? By suitable legislation। तो Legal Services Authorities Act 1987 which established NALSA, वो NALSAR नहीं है, ये NALSA है, National Legal Services Authority, and Section 12 में अगर आप जाएंगे इस Act में तो आपको मिल जाएगा कि अगर आप इन क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आपको हम फ्री लीगल एड दे देंगे। सेक्शन 12 में आपको कह दिया गया। By suitable legislation, speaking schemes in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. So main funda of free legal aid is this, ठीक है जी। और इस पर MCQ भी निकलते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं बाय द वे राइट टू फ्री लीगल एड। अगर आप यहाँ पे वर्ड्स नोट करेंगे तो कहीं राइट टू तो नहीं आया। ये तो अभी तक हमने स्टेट को बताया पार्ट फोर में कि भैया ये बात तुम याद रखना और एक लेजिस्लेशन भी बनाने की कोशिश करना। उन्होंने बना दी। अब राइट टू, अब हम दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पे हैं कि क्या आपका हक है फ्री लीगल एड मांगने का। कि भाई साहब महाराज देखिए 39A में ये लिखा हुआ है, तो क्या मतलब मेरे को तो फ्री लीगल एड इन्होंने दिया ही नहीं। क्योंकि अब मुसीबत यह है कि अब मैं कोर्ट तो जा नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है DPSP नॉट एनफोर्सेबल। तो इस चीज़ को जो पहेली सुलझाने की जो प्रोसेस है, इट इज़ कॉल्ड एज जुडिशियल कंस्ट्रक्शन / इनफॉर्मल अमेंडमेंट / इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम शब्दों को, क्योंकि आर्टिकल 21 जो बेसिकली पार्ट 3 में इतने सारे राइट्स हैं, वो दे आर वेरी वाइड राइट्स, तो उसमें हम इंटरप्रेट कर देते हैं, वी रीड इनटू दोज टर्मिनोलॉजीज। ठीक है जी, तो क्या ऐसा हो चुका है? अभी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अगेन, थोड़ा रुको, थोड़ा वो हिंदुस्तानी भाव वाला कि क्या माफ करें, जल्दी बता दो, बस माफ करें और हम आके चलें। देखिए इस चैनल पे तो वो वाले काम होते नहीं हैं क्योंकि रीजनिंग देनी पड़ती है कानून में, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा जस्ट यू हैव टू जस्ट बेयर इट आउट। राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सॉरी नॉट टेरिटरीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब सामने वाला वकील नहीं कर पा रहा और हम स्टेट कर रहे हैं, तो जैसे निकल यहाँ से, यू हैव बीन प्राइज्ड आउट ऑफ जस्टिस। एक बड़ी अच्छी सी सेइंग है लॉ के अंदर, दैट यू हैव बीन प्राइज्ड आउट ऑफ जस्टिस। तो आर्टिकल 14 तो फिर वायलेट हो गया ना, और आर्टिकल 14 की तो गारंटी ले रखी है आर्टिकल 32 में लोगों ने कि भैया इक्वालिटी तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, इक्वालिटी वायलेट हो रही हो तो सुप्रीम कोर्ट आ जाना, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है पहुंचने का। अच्छा, फिर आप जाएं UDHR, विच इज़ प्रीटी मच वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द प्लैनेट रिलेटिंग टू लॉ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल 8 सेज एवरीवन हैज द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्राइब्यूनल्स फॉर एक्ट्स वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड him by the constitution or by law. Now we obviously are a signatory to UDHR, so we have to implement it somewhere, right? We have to implement all of this somewhere. Achha. Then the National Commission to Review the Working of the Constitution, the NCRWC, also known as the Justice Ammanapalli Narayan Rao Venkata Challiya Commission, was set up. Basically set up, main pura nahi pad raha. Inhone kya kaha ki aisa hai, ab ye यहाँ पे कब सेटअप की गई, 2000 में, तब तक इतने डिसीजन आ चुके थे। अब दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट कमीशन ऑफ लॉ एज वेल। तो इन्होंने कहा एक काम करो यार, आर्टिकल 30B, ये हुआ नहीं है काम, इन्होंने सजेस्ट करी थी, रेकमेंड करा था, जैसे लॉ कमीशन रेकमेंड करती रहती है, तो इस कमीशन ने भी रेकमेंड करा था, क्या आर्टिकल 30B में डाल दो। एक काम करो, आर्टिकल 39A इन पार्ट 4 टू बी शिफ्टेड टू पार्ट 3 एज न्यू आर्टिकल 30B, तो इसको पार्ट 3 में ले जाओ। कह रहे हैं जो 39A जो है ना आपका, उसको आप पार्ट 3 में ले जाओ। क्यों? क्योंकि इतने डिसीजन आ चुके हैं, तो फिर क्यों कन्फ्यूजन रखनी है? बेसिकली इस लेक्चर को बनने की ज़रूरत नहीं होती अगर इस कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर लिया जाता तो, लेकिन ऐसा तो हिंदुस्तान होगा नहीं ना। और अगर आप इस कमीशन की रिपोर्ट बड़े तभी ध्यान से देखेंगे, अगर इन्होंने सब कुछ ये जो हमारे भैया बोल कर गए थे, तो यकीन मानेगा आधे से ज़्यादा लेक्चर्स की आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम वेरी वेरी क्लियर। अब सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया था इस बारे में, राइट टू फ्री लीगल एड, अब हम आ रहे हैं इस बात पे, इट वॉज इन MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का केस लॉ है, एंड देन द कोर्ट लेटर इन सुखदास वर्सेस अरुणाचल प्रदेश 1986 के अंदर। अब मैं आपको कोटेशन पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। इट मे देयरफॉर नाउ बी टेकन एज सेटल्ड लॉ दैट फ्री लीगल असिस्टेंस एट स्टेट कॉस्ट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, और कहाँ पे, फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल 21 के तहत फ्री लीगल असिस्टेंस एट स्टेट कॉस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। कहाँ कहाँ बोल दिया? हॉस्कॉट में बोल दिया और सुखदास में बोल दिया। जो ज़्यादा हायर लेवल पे जा रहे हैं, कृपया करके अपना केस लॉज की लिस्ट में ये एडिशन कर लें। अच्छा, देन हुसैनेरा खातून के केस के अंदर इन्होंने बोला, द राइट टू फ्री लीगल सर्विस इज clearly an essential unit of reasonable, fair and just procedure for a person accused of an offense and it must be held to be implicit in the guarantee of article 21. Hussainera Khatun, kai log bolte hain that this was the first PIL, but us pe jhagda rehta hai kyunki ek wo Mumbai karam ghar aise karke koi judgment ek aur hai, kabhi koi kuch kitabein usko first PIL bol dete hain, kuch kitabein Hussainera Khatun wale ko first PIL bol dete hain, khair that's not the subject matter of this lecture. To yahan pe aap dekhenge Hussainera Khatun mein bhi inhone bol diya। फिर सुप्रीम कोर्ट इन खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार,
ठीक है जी, आगे आते हैं स्टेट ऑफ बिहार, ये इसके अंदर इन्होंने क्या कहा, द कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट इन हुसैनेरा खातून केस। अच्छा ये सुपरा का क्या मतलब होता है, सुपरा आप बार बार पढ़ेंगे, सुपरा इज नो सुपरमैन, सुपरा मतलब ऊपर रेफर किया हुआ केस, ऑलरेडी उन्होंने बताया होगा कहीं जहाँ पे बात कर रहे होंगे उसको रेफर कर रहे हैं, विच वॉज डिसाइडेड एज फार एज बैक एज 9th मार्च 1979 दैट द राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज इज क्लियरली एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रीजनेबल फेयर एंड जस्ट प्रोसीजर फॉर अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड इट मस्ट बी हेल्ड इम्प्लिसिट इन द गारंटी ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है जी, अच्छा, एंड द स्टेट इज अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एन अक्यूज पर्सन। और ये इन्होंने काम कैसे करा था, बाय द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल 21। इन्होंने कह दिया कि भैया फंडामेंटल राइट है, तभी आपकी कमीशन जी ने आके कह दिया यार सीधा 30B बना दो ना इसको पार्ट 3 के अंदर, हम लड़ाई क्यों करे जा रहे हैं, आए दिन हम कोर्ट पहुंचे होते हैं, तो इसलिए फंडामेंटल राइट है। अलग अलग केस लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कंस्ट्रक्शन यूज करके, लेकिन लेकिन अब आप कहेंगे मैं एग्जाम में क्या मार्क करूँ वो तो बता दो। ठीक है जी, वॉट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब देखिए राइट टू फ्री लीगल एड पूछेगा तो क्या है, क्या है फंडामेंटल राइट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, कंफ्यूजन कहाँ आती है जब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड पूछ लेता है, तो कभी कभार एग्जामिनर स्ट्रेट इस DPSP को रेफर कर रहा है, लेकिन लेकिन अब यहाँ पे अगर वो ये कह दे द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस, अब ये स्टेट की तरफ से बात करे तो ये DPSP है, सिटीजन की तरफ से बात करे तो फंडामेंटल राइट, पर्सपेक्टिव मैटर करता है। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि जी स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस, ये क्या है, ये तो ऑफकोर्स DPSP, क्योंकि हाउ विल द स्टेट अदरवाइज, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स दे आर ऑलवेज नेगेटिव राइट्स, द स्टेट शैल नॉट डू दिस, द स्टेट शैल नॉट डिनाई यू एनी थिंग, द स्टेट शैल इंश्योर कि आपका ये राइट वायलेट ना हो। यहाँ पे तो आपको पढ़ा रहा है बेचारा पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की, लो जी लो पकड़ो प्लेटर पे, लेकिन अगर मैंने नहीं दिए आपको पॉजिटिव, बेसिकली प्लेटर नहीं सर्व करा, तो आप 37 के तहत मेरे को कोर्ट नहीं लेके जा सकते। तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रश्न पूछा जाए तो DPSP है, सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि 99.99% आपसे पूछा जा रहा था, और ये शब्द लगा दिया जाता है राइट टू फ्री लीगल एड, तो क्या है फंडामेंटल राइट अंडर 21 है। कौन कौन से केस लो बारी दोबारा नज़र मार लेते हैं, आपके अगले पेज पे होगा। सो दिस इज प्रीटी मच हाउ यू डू लीगल रिसर्च एज वेल। तो हॉस्कॉट, सुखदास एंड हुसैनेरा खातून, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 4 केस लॉ हैं, कार्डिनल केस लॉज हैं 139 एंड दैट्स अबाउट इट। सबको कानून का एक्सेस मिले, सोशल, क्योंकि वर्ड सोशल है प्रीएम्बल में, जस्टिस इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट, तो सोशल। होपफुली ये आपकी विडंबना है क्लियर हुई, राइट। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।